मास ऑफ बॉल गिवन क्या है हमें, मास ऑफ बॉल 80 ग्राम, ग्राम के अंदर है तो इसे हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो एच की वैल्यू आती है वो एम के एफ में होती है। तो इसे हम कर लेते हैं 80 × 10⁻³ किलोग्राम के अंदर। वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी है 90 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ध्यान रखना, हम जो अनसर्टेनिटी फॉर्मूले में रखते हैं वो वेलोसिटी नहीं, वो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी रखते हैं। तो वेलोसिटी है 90 मीटर पर सेकेंड, और इसने बोला है कि इसकी जो स्पीड मेजर की गई है वो 1% एक्यूरेसी के साथ मेजर की गई है, मतलब उसमें 1% गलती होने के चांस हैं। तो हम जो अनसर्टेनिटी निकालते हैं, जो एरर निकालते हैं, वो क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी 90 का 1%, 90 × 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 0.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना एरर होने के चांसेस हैं। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 πm, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 πm डेल्टा वी, डेल्टा एक्स इक्वल टू एच है हमारे पास 6.62 × 10⁻³ जूल पर सेकेंड, 4 कांस्टेंट है, पाई क्या है 3.14, मल्टीप्लाई बाय एम, एम कितना है हमारे पास 80 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। एंड यहां पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है हमारे पास 0.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 0.73 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 80 ग्राम की बॉल 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, और उसके अंदर जो जिस भी मेजरमेंट, जिस भी एपरेटस से हम उसकी स्पीड को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो 1% की एक्यूरेसी देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी पोजीशन में 10⁻³ मीटर का पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी आएगा। मतलब हमें बॉल में 10⁻³ मीटर आगे पीछे बॉल दिख सकती है। ठीक है, तो ये देखो, ये इतनी छोटी वैल्यूज है, इसे हम इजीली नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए मैक्रोस्कोपिक के लिए इसकी वैल्यू इजीली ज़्यादा नहीं निकाली जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सी एच फोर एंड ओ टू मॉलिक्यूल्स सो दैट दे आर एसोसिएटेड विद डी ब्रोगली वेव ऑफ इक्वल वेवलेंथ। डी ब्रोगली का क्वेश्चन है, इनकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए जिससे इनकी वेवलेंथ इक्वल हो जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम बी। ठीक है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम बी। अब यहाँ पर बोला गया है, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो v देख लेते हैं, v इज इक्वल टू एच बाय एम लैम्डा। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या क्या है, h तो पहले से कांस्टेंट है, और लैम्डा इसने बोल दिया कि दोनों के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब लैम्डा भी क्या हुआ यहाँ पर, कांस्टेंट हुआ। तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m, मतलब वेलोसिटी ऑफ सी एच फोर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ओ टू इज इक्वल टू मास ऑफ ओ टू अपॉन मास ऑफ सी एच फोर। ओ टू का मास कितना होता है 32, सी एच फोर का मास कितना होता है 16, तो रेशो क्या है हमारे पास 2, मतलब वेलोसिटी ऑफ सी एच फोर इज इक्वल टू 2 × वेलोसिटी ऑफ ओ टू। ये आंसर देखो, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज रखी हमें, आंसर हमारे पास आया। ये जेई का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन डेल्टा एक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ डेल्टा वी इज 0.1%, टेक द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन
2.2 into 10 raise to 6 and mass of electron as 9.108 into 10 raise to minus 31 kg. तो यहाँ पर हमें मास दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है, एक्यूरेसी दी गई है 0.1% और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालना है। तो लास्ट क्वेश्चन जब हमने हाइजेनबर्ग का किया था तो उसमें अनसर्टेनिटी आई थी 10^-33, वो कंसीडर करने लायक नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि कितनी अनसर्टेनिटी आती है। यहाँ देखते हैं गिवन क्या है, हमको गिवन है डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.1%। ठीक है, 0.1% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा वी निकाल लेते हैं डायरेक्टली। डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय 100, वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर 2.2 इंटू 10^6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.2 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 100, 10^-3 होगा तो माइनस प्लस 6 के साथ मिलके हो जाएगा 10^3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डेल्टा वी आ गया। फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय एम डेल्टा वी इज इक्व टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स इज इक्व टू एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10^-34 डिवाइडेड बाय 4 पाई, पाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय मास 9.108 इंटू 10^-31 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी 2.2 इंटू 10^3। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन पे जब ये आएगा तो कैलकुलेशन पे आएगा हमारे पास 0.026 मल्टीप्लाई बाय 10^-6 मीटर। डिजिट्स में ले लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, तो साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा है हमारे पास 262.47 इंटू, देखो ये इसलिए लिया कि 10^-10 तक पहुंच जाए। ठीक है, ये 10^-10 मतलब एमस्ट्रॉन्ग में जा रहा है, ये जो वैल्यू है ये नियरली किसके है, हम बोल सकते हैं 262 एमस्ट्रॉन्ग के अंदर। और इतनी तो कैलकुलेशन हम माइक्रोस्कोपिक में लेते हैं एमस्ट्रॉन्ग तक, नैनोमीटर तक। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए इसका अनसर्टेनिटी 262 एमस्ट्रॉन्ग के आसपास आएगा। ठीक है, देखो ये भी एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, जेईई एडवांस है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, अगर हम करेंगे ध्यान से तो हो जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटेड इन वैक्यूम ट्यूब बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, इफ इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज डिक्रीज बाय 1%, द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली, मतलब अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ में 1% डिक्रीज हो जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में, तो वो हम देखते हैं। फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहां से अंडर रूट के ई वन बाय अंडर रूट के ई टू इज इक्वल टू लैम्डा वन सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ आएगा लैम्डा टू बाय लैम्डा वन। ठीक है, अब बोला गया है कि 1% डिक्रीमेंट हो जाता है, 1% डिक्रीमेंट होने का मतलब कि अगर इनिशियल में लैम्डा वन था तो लैम्डा टू कितना हो जाएगा 0.99 लैम्डा वन हो जाएगा। ठीक है, 1% डिक्रीज हुआ, लैम्डा वन से लैम्डा वन कट हो जाएगा, तो आया हमारे पास अंडर रूट के ई वन बाय के ई टू इज इक्व टू 0.99। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर करने से आएगा हमारे पास के ई वन बाय के ई टू इज इक्व टू 0.99 स्क्वायर। के ई टू इक्वल टू 1/0.99 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय के ई वन। ठीक है, यहाँ देखते हैं आगे। ठीक है, 1/0.99 को जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1.02, के ई टू इक्वल टू आया 1.02 के ई वन। तो देखो काइनेटिक एनर्जी के ई टू के ई वन से इंक्रीज हो गई, 1.02 है
तो 1.02 का मतलब है ये, ठीक है। अब थोड़ा इंक्रीज ही होगा, तो कितना इंक्रीज होगा हमें परसेंटेज में निकालना है, कितना इंक्रीमेंट यहाँ पर हुआ। तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज में, परसेंटेज चेंज इन KE1 इक्वल टू, पहले तो हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि टोटल चेंज कितना आया, तो KE2 माइनस KE1 डिवाइडेड बाय टोटल कितना था पहले KE1 था मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास, जब इसे माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आएगा हमारे पास 0.02। KE1 हमने 1 मान लिया, स्टार्टिंग में KE1 था 100, तो कितना आएगा ये नियरली आएगा हमारे पास 2%। तो पहले KE1 अगर 1 था तो KE2 आता है 1.02, मतलब इंक्रीमेंट हुआ, और कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 2% का इंक्रीमेंट हुआ। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। तो इस तरीके से हम इस तरीके से क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है बस।